वृंदावन की लठमार होली जिस तरह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, उसी तरह चित्रकूट में बुंदेलखंड इलाके की लठमार दिवाली भी काफी चर्चित है। दीपावली अमावस्या पर चित्रकूट में लगने वाले मेले में लोगों का आकर्षण लठमार दिवाली होता है। अमावस्या के दूसरे दिन भगवान श्री राम की तपोस्थली के परिक्रमा क्षेत्र में विभिन्न स्थलों पर दिवालियों का जमघट देखने को मिलता है। भरत मिलाप मंदिर परिसर में एमपी बुंदेलखंड और यूपी के विभिन्न क्षेत्रों से आए सैकड़ों ग्रामीणों ने ढोलक व नगाड़े की थाप पर विभिन्न प्रकार के गीत व लमटेरा गाकर भक्ति में सराबोर मयूर पंखों व घुंघरों की गूंज के बीच दिवाली नृत्य किया। टीम के कलाकारों के थिरकते जिस्मों के साथ लाठियों का अचूक वार करते हुए युद्ध कला को दर्शाने वाले नृत्य को देखने के लिए आसपास के गांवों से हजारों लोग आते हैं। भारतीय कला और संस्कृति की इस विधि के पारंगत बुजुर्ग युवा और बच्चे रंग बिरंगी पोशाकों में 18 से 20 की संख्या में ढोल नगाड़े की ताल पर जमकर झूमे और जोश में भरकर लाठियों से एक दूसरे पर वार किए। इनके पैरों और कमर में बंधे घुंघरुओं की रुंझुन के साथ लाठियों की तड़तड़ाहट में इनके शरीर की लोच फुर्ती और चतुराई देखते ही बनी। 36 विधाओं का यह करतब मार्शल आर्ट को भी पीछे छोड़ता है। इसे देखकर मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गजब का नियंत्रण और लाठी का वार निश्चित स्थान पर ही लगता है। दोनों लटके मारों के बीच का असमंजस देखते ही बनता है। यही कर्तव्य है कि उपस्थित लोगों को घंटों एक ही स्थान पर टकटकी निहारते हुए बांधे रखता है। इन समूहों के रंग बिरंगे पहनावे लोगों को बेहद मनमोहक और आकर्षक लगते हैं। हर आयु वर्ग के कलाकार अपनी लाठियों की ताल पर अनेक प्रकार की धुन निकालते हुए करतब दिखाते हैं। भरत मिलाप मंदिर के महंत राम मनोहर दास ने बताया कि दिवाली नृत्य की टोलियों ने पूरे मेला क्षेत्र में ऐसा धमाल मचाया कि राम घाट से लेकर कामतगिरी तक मयूरी परिवेश हो गया। बुंदेलखंड के हजारों गौपालकों ने धर्मनगरी में दीपावली अमावस्या को एक माह तक चलने वाले मौन को प्रकाश पर्व पर कामतगिरी की परिक्रमा कर लगाने के बाद अपना व्रत तोड़ा और दिवाली नृत्य पेश कर लोगों का मन मोह लिया। ऐसा है जैसे ये वो कामतगिर का परिक्रमा लगाते हैं, अपने घरों से चलते हैं। दीपावली के बाद जो परेवा होती है तो पूरे आश्रमों में जगह जगह मंदाकिनी के किनारे और हर कामतगिर पर्वत पर और आगे लक्ष्मण टेकरी पर भरत मिलाप में भरत जी के यहाँ प्रेम का प्रतीक है। तो जैसे नाद वो कहते हैं कि उनके कोल भीलों के क्या था, कहने का मतलब प्रेम था, तो अपने प्रेम का भाव उत्पन्न करते हैं भरत जी के यहाँ इकट्ठा होकर के लाठी खेलते हैं, अपनी कला दिखाते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि जब हम 15 साल के थे तब से हम दिवाली खेलते हैं और हमारे बुजुर्ग जो सयान थे वो हमको यही दिवा के आते थे और सब दिन यही दिवाली हुई है। और इसके बाद यहाँ से और फिर आगे जाते थे, खेलते खेलते वहाँ भी खेलते थे। दीपावली के दूसरे दिन यहाँ हमेशा दिवाली खेली जाती है। दशहरा से हम अपने गांव में चालू कर देते हैं खेलने के लिए। सब लोग इकट्ठे होकर के शाम के 2-3 घंटा खेलते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको हम सिखाते हैं और फिर उनको लिवा के यहाँ चित्रकूट आते हैं दिवाली खेलने। और इसके खेलने से हमको ये हमारे शरीर में फुर्ती रहती है और कोई मार भी करे तो उसकी लाठी भी हम आ सकते हैं।